Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Good morning, my dear lovely kids. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Kids, today I am going to teach you English. Kids, today in English, you all will do one worksheet. Kids, in this worksheet, you all will do forming new words. बच्चों, आज आप सब इंग्लिश में एक वर्कशीट करेंगे. उस वर्कशीट में आप फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स करेंगे. किड्स, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, आपको क्या करना है, आपको ये जो लेटर्स दे रखे हैं बी डब्ल्यू टी एफ सी, क्या करना है, आपको क्या दे रखे हैं लेटर्स, आपको इन लेटर्स को इन थ्री लेटर्स में ई एल एल में मिला के एक न्यू वर्ड फॉर्म करना है. कैसे, आपको क्या करना है, आपको बी में ई एल एल जोड़ के न्यू वर्ड फॉर्म करना है. जैसे अगर आप बी में ई एल एल ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, बी ई एल 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 बेल, क्या बन जाएगा, बी ई एल एल बेल. आपको इसी तरीके से डब्ल्यू में ई एल एल जोड़ के न्यू वर्ड फॉर्म करना है लाइक दिस. किड्स, पहला क्या दे रखा है ये बी, दूसरा डब्ल्यू, थर्ड टी, फोर्थ फिफ्थ एफ एंड फिफ्थ सी. तो आपको क्या करना है, इन बी डब्ल्यू टी एफ सी को इन ई एल एल लेटर्स में कंबाइन करके एक न्यू वर्ड फॉर्म करना है. तो हमारा फर्स्ट क्या है, बी, और हमारे ये थ्री लेटर्स क्या दे रखे हैं, ई एल एल. तो हमने बी में ई एल एल जोड़ा, क्या बन गया, बैल. तो हमारा एक न्यू वर्ड फॉर्म हो गया इन लेटर्स से. ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्या देगा, डब्ल्यू ई एल एल. तो हमारा डब्ल्यू ई एल एल से क्या बन गया, एक नया वर्ड, वेल. ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा देगा टी ई एल एल. नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या बन गया, टेल. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेटर क्या है, एफ. और ये थ्री लेटर्स क्या है, ई एल एल. तो इन एफ और ई एल एल को मिला के क्या बन गया, ये फेल. तो हमारा एक न्यू वर्ड फॉर्म हो गया, फेल. ऐसे ही नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सी. अब हमें क्या करना है, सी में ई एल एल जोड़ना है, ये थ्री लेटर्स जोड़ने, ई एल एल. तो ये एक नया वर्ड बन जाएगा, क्या बन गया, ये सी, सी ई एल एल, सेल. नाउ किड्स, लाइक दिस यू ऑल विल डू दिस ऑल्सो. आपको इसमें भी क्या करना है, सेम करना है आपको इसमें, आपको इसमें सेम तरीके से करना है. आपको इसमें यही लेटर्स को, जो ये लेटर्स दे रखे हैं एच सी आर एम एस बी, इन लेटर्स को ये टू लेटर्स ए टी में जोड़ के एक न्यू वर्ड फॉर्म करना है. क्या करना है आपको, आपको ये एच सी आर एम एस बी को ए टी में जोड़कर एक न्यू वर्ड फॉर्म करना है. मीन्स इस सिंगल लेटर में आपको ये डबल डिजिट लेटर जोड़ के एक न्यू वर्ड फॉर्म करना है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, फर्स्ट दे रखा है एच, आपको एच में दो कौन से लेटर्स जोड़ने, ए टी. तो आपने एच में ए टी जोड़ा तो क्या बन गया, ये हैट. तो ये हमारा एक नया वर्ड बन गया. ऐसे ही हमें जो बचे लेटर्स हैं उनमें ए टी जोड़ के एक नया वर्ड बनाना है. नेक्स्ट क्या है, सी, सी में ए टी ऐड करिए तो क्या बन जाएगा, सी टी कैट. ऐसे ही आर, आर में ए टी ऐड करिए तो क्या बन जाएगा, आर ए टी रैट. एम, एड एम, एड लेटर ए टी नैम, एम ए टी मैट, क्या बन गई, एम ए टी मैट. ऐसे ही नेक्स्ट एस, एस में ए टी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एस ए टी सैट. बी में ए टी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बी ए टी बैट. सो किड्स, यू ऑल विल डू दिस वर्कशीट ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स इन योर इंग्लिश कॉपी. थैंक यू. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.